सरकार समय समय पर सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ नई स्कीम लाती रहती है और हाल ही में लेके आई है एक जबरदस्त स्कीम जिसका नाम है सीनियर सिटीजन कार्ड। ये कार्ड क्या होता है, कैसे इसके लिए अप्लाई करते हैं, क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या इसके बेनिफिट्स हैं और कैसे इसको आप घर बैठे पा सकते हैं, जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में हम आपको बताने वाले हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर से फिनोटेक यूट्यूब चैनल पर। आइए आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये सीनियर सिटीजन कार्ड क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि जब भी हम कहीं पर जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे रेलवे हो, तो वहाँ पर हमें कार्ड दिखाना पड़ता है कि सर ये देखिए मेरा पासपोर्ट है, ये मेरा आधार कार्ड है, इसमें मेरी ये एज लिखी हुई है और देखिए मैं सीनियर सिटीजन हूँ। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको एक कार्ड बना के देंगे, सीनियर सिटीजन कार्ड, और एक बार अगर आपका ये कार्ड बन गया तो ये पूरी कंट्री में हर जगह वैलिड होगा, जो इस बात की पुष्टि करेगा कि आप सीनियर सिटीजन हैं। तो आप कहीं भी जाएं तो इस कार्ड को बस अपने साथ लेके जाएं। अब इस कार्ड के अंदर कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि पहला आपका नाम, दूसरा आपके पिता या पति का नाम, तीसरा आपका जेंडर, चौथा आपकी एज, पांचवा आपका घर का कंप्लीट एड्रेस, छठा आपकी डेट ऑफ बर्थ और सातवां आपका ब्लड ग्रुप। तो ये सात चीज़ें इस कार्ड के ऊपर मेंशन रहेंगी। आप कहीं भी जाएंगे तो इसके थ्रू आप बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस कार्ड को बनाने के लिए एलिजिबल कौन कौन है। एलिजिबल होने के लिए दो कंडीशंस हैं। पहला, आप चाहे महिला हों चाहे पुरुष हों, आपकी उम्र 60 साल से अधिक होनी चाहिए। और दूसरा, आप इसके लिए भारत के सिटीजन होना जरूरी है। तो आप अगर एक इंडियन सिटीजन हैं और 60 ईयर्स के अबव आपकी उम्र है तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहीं से हम देखते हैं कि अब इस कार्ड को बनाने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। तो यहाँ पर हम आपको एक लिस्ट दे रहे हैं। इस लिस्ट में 6 डॉक्यूमेंट्स हैं। इनमें से अगर आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे जो आपकी एज के लिए प्रूफ है, तो वो आपका एज का प्रूफ माना जाएगा और आप उसको यूज कर सकते हैं इस कार्ड को बनाने के लिए। और ये 6 डॉक्यूमेंट्स ये हैं। पहला, बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरा, कोई भी स्कूल का सर्टिफिकेट। तीसरा, इलेक्शन कार्ड आपका या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। चौथा, पासपोर्ट। पांचवा, पैन कार्ड। और छठा है आपका आधार कार्ड। तो आपके पास अगर इन 6 में से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप इस सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इसके बेनिफिट्स को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है ट्रेवल बेनिफिट्स में। तो आप जानते हैं कि रेलवे हमेशा से सीनियर सिटीजन्स को ट्रेवलिंग में कुछ डिस्काउंट देती आई है। फिलहाल ये डिस्काउंट बंद है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये खुल जाएगी। तो अगर आप रेलवे में सफ़र कर रहे हो और आपके पास ये कार्ड है तो टिकट खरीदने में आपको इस कार्ड से डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरी बात, अगर आपको ध्यान में हो, जब आप काउंटर पे फिजिकल टिकट लेने जाते हैं तो वहाँ पर एक अलग से लाइन मिलती है, अलग से एक काउंटर होता है सीनियर सिटीजन के नाम से। तो अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपको लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और सीनियर सिटीजन वाली लाइन से ही आप आसानी से अपना टिकट जल्दी बुक कर सकते हैं। और अगर आप एयर से ट्रेवल कर रहे हैं यानी हवाई यात्रा कर रहे हैं, तो आपको ध्यान होगा कि भारत की बहुत सारी जो एयर एजेंसीज हैं वो सीनियर सिटीजन्स को स्पेशल डिस्काउंट देती हैं हवाई यात्रा पर। तो एयर टिकट बुक करते टाइम भी आप इस कार्ड का यूज करके वो डिस्काउंट ले पाएंगे। तो ये हो गया पहला ट्रेवल बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट होता है हेल्थ का। जब भी आप किसी हॉस्पिटल में ओपीडी में जाते हैं तो वहाँ पर भी सीनियर सिटीजन का पर्ची कटवाने का अलग काउंटर होता है, तो ये कार्ड आपको वहाँ भी हेल्प करेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जो सीनियर सिटीजन को कुछ डिस्काउंट देते हैं इलाज में, तो इस कार्ड को यूज करके आप वहाँ भी फायदा ले सकते हैं। तीसरा बेनिफिट जो होता है वो होता है बैंक संबंधी या कहिए फाइनेंशियल संबंधी। तो जब भी आप किसी बैंक में FD कराते हैं तो आपको पता है कि सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल FDs होती हैं, उनके लिए इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में अगर आपको कोई सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट मिलना है तो वो भी आप इस कार्ड से अवेल कर सकते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट पर और जानते हैं कि इस कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है। इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि बस आपको गूगल पे जाना है और वहाँ पर अपने स्टेट का नाम सर्च करना है और उसके आगे आप लिख दीजिए सीनियर सिटीजन कार्ड। उसके बाद अलग अलग स्टेट्स के पोर्टल आ जाएंगे, उसमें से आप अपने स्टेट के पोर्टल पर क्लिक करके वहाँ से इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने स्टेट के लिंक पर क्लिक करिए और जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए उनको अपलोड कीजिए, अपनी डिटेल्स फिल कीजिए और आपके कार्ड के लिए अप्लाई हो जाएगा। आपकी सहूलियत के लिए हमने कुछ स्टेट्स के जो पोर्टल हैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में डाल दिए हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं।
इन सब चीज़ों के अलावा भी अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी और स्टेट का अगर आपको जानना है लिंक के बारे में तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमें उसका पता होगा तो हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जरूर फायदा होगा और ये आपकी कुछ मदद जरूर करेगा, तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ या ऐसे सीनियर सिटीजन जिनको इस कार्ड के बारे में जानने की जरूरत है उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस YouTube चैनल फिनोटेक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।